सेक्सुअल हैरेसमेंट में फंसे मंत्री फील्ड में उतरे। कुरुक्षेत्र में लोगों से मिलने पहुंचे संदीप सिंह। महिला कोच भी पंचकुला ट्रांसफर हो चुकी। जूनियर महिला कोच के सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में फंसे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह फिर सक्रिय हो गए हैं। वे अपने गृह क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहुंचकर लोगों से मिलने लगे हैं। उन्होंने पहवा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, वहां लोगों से मुलाकात कर सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यही नहीं, वह जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। इस मामले में महिला कोच को भी सरकार पंचकुला वापस ट्रांसफर कर चुकी है। मंत्री रहते संजीव सिंह ने उसे पंचकुला से झज्जर ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि कोच का कहना था कि झज्जर का ग्राउंड छोटा है, जहां वह प्रैक्टिस नहीं कर सकती। उसने आरोप लगाया था कि मंत्री की बातें ना मानने पर उसके साथ ऐसा किया गया। संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। झज्जर की जूनियर महिला कोच ने कहा था कि संदीप ने उसे अपने चंडीगढ़ स्थित घर बुलाया, जिसके बाद उसे अलग कैबिन में ले जाकर पैर पर हाथ रखा। वह मुश्किल से वहां से पीछा छुड़ा कर आई। 26 दिसंबर को जूनियर महिला कोच ने मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए। 31 दिसंबर को शुरुआती जांच में महिला कोच की बताई बातें सही लगी तो मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में पीसी की धारा 354, 354 ए, 354 बी, 342 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।